वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल यू आर वॉचिंग स्टडी विद प्रतीक एंड टूडे इन स्टडी विद प्रतीक वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर फाइव ऑफ क्लास टेंथ जियोग्राफी दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज तो अभी तक हमने बात कर ली माइनिंग के बारे में हमने बात कर ली मिनरल्स और उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में अब हम जानेंगे मिनरल्स इन इंडिया के बारे में कि किस तरह से इंडिया में मिनरल्स हमें मिलते हैं किस किस तरीके के मिलते हैं और क्या फैक्ट्स है इंडिया में मिनरल्स के बारे में तो इंडिया इज़ रिच इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज अन ईवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में मिनरल्स पेनशलर रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स को इंडिया में डिवाइड किया जाता है तो पेनन्शलर रॉक्स की बात करें तो उसमें कोल मेटेलिक मिनरल्स माइका एंड मैनी अदर नन मेटेलिक मिनरल्स आते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में बात करें तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंग्स ऑफ़ पेनशुला में पाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम डिपॉजिट्स जो हमें गुजरात और असम में मिलते हैं तो असम एकदम ही ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहा जा सकता है और गुजरात वेस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का तो बाई दिस यू कैन से वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ पेनशुला तो इंडिया एक पेनशुलर कंट्री है ये आप जानते हैं पेनशुलर जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप्य जिसे जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ जमीन होती है तो भारत एक प्रायद्वीप है इंडिया इज अ पेनिन्शुलर कंट्री इसीलिए इंडिया को यहाँ पे पेनशुला से आ, आ, रि, रिफर किया गया है राजस्थान की बात करें तो नन फेरस मिनरल्स यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं वाचेल्यूएल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स तो एल यू एल प्लेन्स है बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे हमें प्लेन्स मिलते हैं ज़मीन मिलती है उत्तरी भारत के मैदानों में जहाँ पे इकोनॉमिक मिनरल्स हमें ज़्यादा प्रमाण में नहीं मिल पाते लेकिन बहुत अच्छा खासा मिनरल डिपॉजिट्स हमें मिल जाते हैं वेरिएशंस की बात करें तो ड्यू टू द डिफरेंसेस इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ मिनरल तो यहाँ पे अलग अलग जो मिनरल्स है उसमें अलग अलग वेरिएशंस इसलिए पाए गए हैं क्योंकि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है किसी भी मिनरल का द प्रोसेस ऑफ इट्स मेकिंग द टाइम इन विच इट हैज़ बीन इन्वॉल्व और जो फॉर्मेशन हुआ है मिनरल्स का वो अलग अलग तरीके से अलग अलग सरकमस्टेंसेस में हुआ होता है द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू मार्केट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वेबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स तो किसी भी रिसोर्सिस का इकोनॉमिक वायबिलिटी को अफेक्ट करता है मार्केट प्ले एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस किसी भी मिनरल का किस तरह से हमें मिल रहा है किस तरह से हम प्रोक्योर कर ले किस तरह से वो क्लोज है मार्केट से ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक वायबिलिटी को अफेक्ट करने में मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न्स इनटू माइंड ऑल द डिमांड्स आर मेट जब सारे डिमांड्स जब सारी ही आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तब मिनरल डिपॉजिट्स को माइंस में रिजर्व माइंस में परिवर्तित कर दिया जाता है नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया सो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट इज इग्नियस हिंदी में आग्ने मेटोमॉर्फिक कायांतरित या फिर रूपांतरित सेडिमेंट्री औसादी तो इन चट्टानों में इन रॉक्स में हमें मिनरल्स uh, मिलते हैं मोस्टली इंडिया में इंडियन पेनशुला में इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप कह सकते हो इंडियन एज ए कंट्री में तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स है टाइप्स ऑफ मिनरल्स है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक हमने पहले भी देखा मेटेलिक जिसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो हमें लार्ज बड़े बड़े जो पठार है भारत के प्लेटोज है वहाँ से हमें मिलते हैं और नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे हैं जो प्लेन्स में हमें मिलते हैं मैदानों में मिलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स और जो फोल्ड माउंटेन्स जो है उसमें से हमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं तो अब इन दोनों के बारे में हम ज्यादा डीपली डिस्कस करेंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटेलिक मिनरल्स के बारे में जिसमें अगेन देर आर टू सब टाइप्स द फेरस एंड नॉन फेरस द फर्स्टली फेरस मिनरल्स सो फेरस मिनरल्स थ्री फोर्थ ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स तो मेटेलिक मिनरल्स का थ्री फोर्थ ऑफ टोटल वैल्यू ये पूरा फेरस मिनरल्स ले जाता है पूरा वैल्यू फेरस मिनरल्स का 50 परसेंट से भी ज़्यादा है 75 परसेंट ऑफ़ वैल्यू इज़ ऑफ़ फेरस मिनरल्स स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ़ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज तो जितनी भी ये धातु से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है मेटल से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ है वो सारे को स्ट्रॉन्ग बेस सारे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फेरस मिनरल्स वी एक्सपोर्ट फेरस मिनरल्स इंडिया एक्सपोर्ट्स फेरस मिनरल्स टू द अदर कंट्रीज सो इट मीन्स के वी हैव सर प्लस ऑफ फेरस मिनरल्स इन आर कंट्री फेरस मिनरल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है आयरन और का इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ मिनरल विच वी फाइंड नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड सो बेसिक मिनरल है ये एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओके औद्योगिक जो uh, विकास है उसमें जो रीढ़ की हड्डी के Uh, की तरह काम जो करता है वो है आयरन ओर एब्यूडेंट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इन इंडिया इंडिया में बहुत ही भरपूर मात्रा में आयरन ओर पाए जाते हैं मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट एक फाइनेट फाइनेस्ट आयरन ओर है फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर है आयरन ओर कंटेंट इसमें सेवेंटी परसेंट होता है एंड हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज मैग्नेटाइट की बात हो रही है वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत काम की होती है हेमेटाइट की बात करें तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इसका आयरन कंटेंट है फिफ्टी टू सिक्सटी आप पिक्चर में देख सकते हैं इट इज आयरन ओर नाव वी विल टॉक अबाउट मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया सो फर्स्ट वन इज उड़ीसा झारखंड बेल्ट हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इन बादाम पहाड़ माइन्स इन द मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट आर फाउंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड जहाँ से हमें हेमेटाइट आयरन ओर माइंड इन गोवा एंड नोामुंदी तो गोवा और नोामुंदी क्षेत्र जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के इलाके होंगे झारखंड में वहाँ से हमें हेमेटाइट आयरन बहुत ही भरपूर मात्रा में अच्छी क्वालिटी का आयरन और हमें मिलता है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट की बात करें इन छत्तीसगढ़ और एंड महाराष्ट्र दिस बेल्ट इज देयर हेमेटाइट्स इन बेलाडिला हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हेमेटाइट्स हमें मिलते हैं वहाँ से फोर्टीन डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर इज फाउंड बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नीडेड फॉर स्टील मेकिंग सो बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो स्टील मेकिंग के लिए चाहिए वो हमें इस दुर्ग बस्तर चंद्रपुर चंद्रपुर बेल्ट से जो हमें आयरन और मिलता है वहाँ से मिलती है एक्सपोर्टेड टू जापान साउथ कोरिया वाया वाइजैक पोर्ट तो वाइजैक पोर्ट जो है वहाँ से जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में आयरन और को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है थर्ड देखिए बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलुरू तुकम आ, तुमकूरू बेल्ट इन कर्नाटका ये नेम थोड़े क्रिटिकल है थोड़े से बोलने में डिफ़िकल्ट लगते हैं नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को लेकिन इट इज़ ओके लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर इज फाउंड इन दिस बेल्ट जो कर्नाटका में है यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली इट इज रिटन इन द बोर्ड लेटर्स द कुंदरमु माइन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका इट इज फाउंड देयर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ओके सो दिस बेल्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड रिमेम्बर दिस वन मार्क क्वेश्चन में बी आस्ट इन द एग्जाम ट्रांसपोर्टेड ए स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलुरु तो मैंगलुरु के नजदीक एक पोर्ट है वहां पे स्लरी के रूप में थोड़ा लिक्विफाइड रूप में इस आयरन और को एक्सपोर्ट किया जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है पोर्ट तक मैंगलुरु पोर्ट तक महाराष्ट्र गोवा बेल्ट की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है महाराष्ट्र और गोवा में ये मिलता है इन गोवा एंड रत्नागिरी ऑफ महाराष्ट्र नॉट वेरी हाई क्वालिटी और ये ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है एफिशिएंटली एक्सप्लॉयटेड एंड एक्सपोर्टेड थ्रू मरमा गाव पोर्ट तो गोवा का ये बहुत ही फेमस पोर्ट है मरमा गाव पोर्ट वहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है अब हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज भी एक टाइप का मेटलिक मिनरल uh, है एंड इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फ़ेरो मैंगनीज़ एलॉय तो फेरो मैंगनीज़ एलॉय और स्टील uh, को मैन्युफैक्चर के करने के लिए यूज़ किया जाता है मैंगनीज़ फिर टेन के जी ऑफ मैंगनीज़ इन वन टन ऑफ स्टील तो वन टन ऑफ स्टील में से सिर्फ टेन के जी ऑफ मैंगनीज मिल पाता है इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स तो इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंगनीज का उपयोग किया जाता है उड़ीसा विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैगनीज ओरस इन द इंडिया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैगनीज ओर्स इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट प्रोडक्शन अदर स्टेट्स की बात करें देन उड़ीसा के बाद आता है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा कर्नाटका आंध्र प्रदेश नॉन फेरस मिनरल्स की बात करते इट इट इज नॉट वेरी सेटिस्फाइंग रिजर्व्स इन इंडिया ज़्यादा सेटिस्फाइंग ज़्यादा प्रमाण में हमें नॉन फेरस मिनरल्स इंडिया में नहीं मिलते कॉपर बॉक्साइड लेड जिंक गोल्ड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी चीज़ें उपयोग में लाई जाती है जैसे कॉपर बॉक्साइड लेट जिंक और गोल्ड ये सारी ही चीज़ें नॉन फेरस मिनरल्स में काउंट होती है कॉपर की बात करें तो कॉपर एक नॉन फेरस मिनरल है आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉपर वायर्स का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए इंडिया इज डेफिशिएंट क्रिटिकली इन रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर तो रिजर्व्स भी इंडिया में कम है प्रोडक्शन uh, भी इंडिया में कॉपर का बहुत ही क्रिटिकली लो है मेलिएबल है डक्टाइल है गुड कंडक्टर है मेलिएबल मतलब शीट्स में परिवर्तित की जा सकती है डक्टाइल मतलब पाइप्स या फिर वायर्स में राउंडेड सिलेंड्रिकल uh, फॉर्म uh, में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है कॉपर को आप देख सकते हो कॉपर ओर या फिर कॉपर मिनरल कैसा लगता है और किस तरह से उसको डक्टाइल कर दिया जाता है एक वायर के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इन इलाकों में कॉपर भारत में पाया जाता है बॉक्साइड की बात करें तो बॉक्साइट इज़ क्ले लाइक सब्सटेंस एल्यूमिना एंड एल्यूमिनियम इज obtained from bauxite फॉर्म बाय the decomposition ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स एल्यूमिनियम सिलिकेट्स से युक्त जो रॉक्स होती है उसमें डिकम्पोज होकर ये बनता है एल्यूमिनियम की बात करें देखिए यहाँ पे देखना ध्यान दीजिएगा कि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम दोनों अलग चीज़ है दोनों अलग मिनरल्स है एल्यूमिनियम विच इज़ विच कम्बाइन द स्ट्रेंथ ऑफ आयरन विथ एक्सट्रीम लाइटनेस गुड कंडक्टर एंड मेलिएबल तो एल्यूमिनियम की एक खासियत हो गई बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम मिलता है इन अवरकंटक प्लेटो माइकाल हिल्स द प्लेटो रीजन्स ऑफ बिलासपुर एंड खात्री तो इन इलाकों में हमें बॉक्साइड मिलता है उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा द पंच पंचपत मली डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट बॉक्साइड डिपॉजिट्स इन द स्टेट पंचपतमली डिपॉजिट्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स में अब हम आ जाते हैं तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में लाइमस्टोन माइका जिप्सन मिनरल फ्यूल्स ये सारे ही नॉन मेटेलिक मिनरल्स है तो सबसे पहला है माइका तो मेडअप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट और लीव सीरीज ऑफ प्लेट्स ओके परते आप देख सकते हो परते परते लेयर्स पिक्चर में भी किस तरह लेयर्स के हिसाब से माइका बना होता है स्प्लिट्स ईजिली इंटू एक्सट्रीमली थिन शीट्स एक्सट्रीमली थिन शीट्स में इसको हम कट कटआउट कर सकते हैं क्लियर ब्लैक ग्रीन रेड येलो ब्राउन इन सारे कलर्स में माइका हमें मिल सकता है एक्सीलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसमें डी इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक या डी इलेक्ट्रिक बोलिए स्ट्रेंथ होती है इसमें लो पावर लॉस फैक्टर पावर लॉस फैक्टर भी बहुत कम होता है इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती है इंस्यूलेट करता है इट इज़ नॉट अ कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज से रेजिस्ट करता है यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज फाउंड इन नॉर्दन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो में गया हजारीबाग बेल्ट अजमेर नेल्लोर बेल्ट तो इन इलाकों में माइका हमें मिलता है लाइमस्टोन की बात करें तो इसको हम रॉक मिनरल भी बोलते हैं इट इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम और मैगनीज़ कार्बोनेट्स तो एसोसिएशन ऑफ़ रॉक्स कंपोजिशन किसका किसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट्स का फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड बेसिक रॉ मटीरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री इट इज सेट एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन ब्लास्ट फॉरनेस अब हम बात करते हैं हेजार्स ऑफ माइनिंग के बारे में कि किस तरह से माइनिंग हमें नेगेटिवली ह्यूम्स को और एनिमल्स को और दूसरे जीवों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है तो डस्ट एंड नॉक्शस फ्यूम्स इनहेल कॉजेज पलमनरी डिजीज इन ह्यूमन्स एज एज वेल एज इन एनिमल्स विच आर देयर अराउंड रिस्क ऑफ कोलेपसिंग माइन रूफ्स इन इन्यूडेशन एंड फायरस इन कोल माइन्स तो कोलेपसिंग ऑफ माइन रूफ्स का डर रहता है इनडेशन होता है फायर्स हो जाते कभी कभी कोल्ड माइन्स में वाटर सोर्सिस कंटामिनेटेड ड्यू टू माइनिंग माइनिंग के कारण कभी कभी जो वाटर सोर्सेज है वो गंदे हो जाते कंटामिनेट जाते हैं जो फिर पीने लायक या यूज़ करने लायक ह्यूमस के लिए नहीं रह पाते डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉयल एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन ड्यू टू डंपिंग वेस्ट एंड स्लरी तो वेस्ट डंप करना स्लरी के कारण लैंड uh, डिग्रेडेशन हो जाता है पोल्यूशन होता है बहुत ही ज्यादा प्रमाण में रिवर्स एंड वाटर्स होते वो सारी पोल्यूट हो जाती है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स विच इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स किस तरह से हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते सेव कर सकते हैं ताकि हम भविष्य की जो हमारी पीढ़ी आने वाली है उनको भी उनकी भी आवश्यकताओं की पूरी हो तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स है उसको हमें आ, अपनाना होगा तो रेट ऑफ़ रिप्लेनिशमेंट इज लोअर देन रेट ऑफ़ कंजम्पशन यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से रेट ऑफ़ कंज़म्पशन ज़्यादा है और रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट उसका ओके okay, उसका आ, वापिस भर जाना या फिर उसका वापस रिप्लेनिश हो जाना वो कम हो रहा है वो उसकी जो स्पीड है वो कम है और रेट ऑफ कंजम्पशन उपभोग करने की जो लोगों की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा है फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल फाइनाइट है कम है और नॉन रिन्यूएबल है मोस्ट ऑफ मिनरल्स रिच मिनरल डिपॉजिट्स की बात करें तो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजिशन कोल की बात कर ले पेट्रोलियम की बात कर ले जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है वो सारे ही बहुत ही कम है आने वाले तीस पच्चीस सालों में ये कम हो जाएगी एकदम डिप्लीट से हो जाएंगे फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स इंक्रीजिंग कोस्ट तो जितना हम एक्सट्रैक्शन कर रहे ओर्स का बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू कंटिन्यूड है ये कभी रुक नहीं रहा और ये रुकने वाला भी नहीं है बहुत ही ज़्यादा लोग प्रोक्योर करते जा रहे करते जा रहे और इसका जो कोस्ट है कोल पहले बहुत सस्ता मिलता था अब उसकी कोस बहुत ज़्यादा हो गई है क्यों क्योंकि मात्रा भी कम हो रही है उसका जो वैल्यू है उसका जो रियल एक्चुअल जो उसका अमाउंट है इट इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे टू बी यूज इन प्लान एंड सस्टेन मैनर प्लान और सस्टेन मैनर में अगर आज भी मिनरल्स को हम यूज़ करें उसका कंजर्वेशन करें उसके लिए कुछ टेक्निक्स बनाए कुछ पॉलिसीज uh, बनाएं तो आज भी हम कुछ कर सकते हैं मिनरल्स को बचाने के लिए इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज वी नीड सम इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज वी नीड सम रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स सो दैट इन फ्यूचर आवर नेक्स्ट जनरेशन कैन ऑल्सो अवर फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज दिस मिनरल्स इन अ वाइज वे सो इन अ वाइज वे वी नीड टू यूज द मिनरल्स सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज दैट सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द

आने वाले फ्यूचर में कभी भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए आप उसको देखें वापस लाइक करें शेयर करें ताकि मैं ग्रो कर पाऊँ और आपके ही सपोर्ट से आपके ही हेल्प से आपके ही प्यार से मैं आगे बढ़ पाऊंगा आई विल कम अप विथ न्यू वीडियो वेरी सुन तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग